दोस्तों अमेजोन पे प्रोडक्ट लिस्ट करने से पहले आपको उस प्रोडक्ट की कैटेगरी का अप्रूवल लेना पड़ता है। अगर आप किचन प्रोडक्ट बेचना चाहते हो तो आपको होम एंड किचन कैटेगरी में अप्रूवल लेना पड़ेगा। उसी तरह अगर आप कोई फूड प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आपको ग्रोसरी एंड गॉर्मे कैटेगरी में अप्रूवल लेना पड़ेगा। ये एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस होता है कैटेगरी अप्रूवल के लिए। इसको अमेजोन की लैंग्वेज में बोलते हैं GTIN एग्जेम्पशन। इस GTIN प्रोसेस के थ्रू आप अपना कैटेगरी अप्रूवल ले सकते हैं। दूसरा, आप किसी अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स का अप्रूवल ले सकते हैं। तीसरा, आप किसी ब्रांडेड प्रोडक्ट्स के लिए भी अप्रूवल ले सकते हैं। चौथा, अगर आप अपने खुद की ब्रांड नेम से कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो उसके लिए भी अप्रूवल आपको इस GTIN प्रोसेस के थ्रू ही मिलता है। GTIN एग्जेम्पशन लेने के लिए आपको अपने सेलर सेंटर पे लॉग इन करना पड़ेगा। लॉग इन करने के बाद आपको सेलर सेंटर के होम पेज पे आपको इस ब्राउज लिंक में जाना है। ये ब्राउज लिंक पे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ तक डिलीट करना रहेगा, जो amazon.in के बाद स्लैश है यहाँ तक आपको डिलीट करके आपको लिखना है GTINX। GTINX लिख के यहाँ पे आपको एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करोगे आपको सीधा लेके जाएगा आपका GTIN एग्जेम्पशन के एप्लीकेशन के लिए। यहाँ पे आपको आना है, आपको सेलेक्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेलेक्ट पे क्लिक करोगे आपको बहुत सारी कैटेगरी मिलेगी। आप यहाँ पे किसी भी कैटेगरी, जो भी आपकी कैटेगरी है वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हो वो कैटेगरी। सपोज यहाँ पे जैसे मैं अगर सेलेक्ट करता हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी, राइट। और अगर मैं अनब्रांडेड प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा जेनेरिक, क्योंकि मेरा कोई ब्रांड नेम नहीं है। अगर मैं इसके थ्रू अपना एग्जेम्पशन के लिए अप्लाई करता हूँ तो मुझे विद इन 30 मिनट्स इसका अप्रूवल मिल जाएगा, और आफ्टर 30 मिनट्स मैं अपने प्रोडक्ट लिस्ट कर सकता हूँ। या देखिए मुझे आ भी गया है, यू हैव बीन अप्रूव्ड टू लिस्ट प्रोडक्ट इन बिलो ब्रांड कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स जेनरिक। मेरे को ब्रांड नेम लिखना पड़ेगा जब भी प्रोडक्ट लिस्ट करूँगा, और यहाँ से मैं अपने प्रोडक्ट ऐड करना चालू कर सकता हूँ। सेकेंड रहता है, अगर आप कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट बेचते हो और आपको अपने खुद के ब्रांड नेम पे आपको प्रोडक्ट लिस्ट करना है तो उसके लिए भी सिंपली आपको यही प्रोसेस करना पड़ता है। अगेन यहाँ पे आप कैटेगरी के लिए सिलेक्शन कीजिए। यहाँ पे अगेन मैं एक कैटेगरी ले लेता हूँ, कोई भी कैटेगरी, ग्रॉसरी या गौरमे फूड अगर मैं लेता हूँ, और आपको अपने खुद के ब्रांड के नाम पे प्रोडक्ट लिस्ट करना है। तो यहाँ पे मुझे अपना ब्रांड नेम, जैसे मैं कुछ भी दे देता हूँ, मेरा जो भी ब्रांड नेम रहता है, मैंने अपना ब्रांड नेम दे दिया। अब यहाँ पे मैं चेक एलिजिबिलिटी पे जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरे सामने ओपन होगा एक नोटिस। इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है मैं आपको सिंपली बता देता हूँ। अमेजोन आपको बोलता है कि इस कैटेगरी में इस ब्रांड नेम के साथ आपको अपने प्रोडक्ट लिस्ट करने हैं, तो आपको अपने ब्रांड जो सर्टिफिकेट रहता है, जो ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट रहता है, वो अमेजोन को प्रोवाइड करवाना रहेगा और आपको ब्रांड रजिस्ट्री के लिए अप्लाई करना रहेगा। अगर आपके पास ब्रांड रजिस्ट्री या ब्रांड ये अपना आपका जो ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट है वो नहीं है तो उस केस में आपको सेलर सपोर्ट पे कॉन्टैक्ट करना रहेगा। सेलर सपोर्ट पे कैसे कॉन्टैक्ट करना, आप आई बटन पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। सेलर सपोर्ट पे आपको कॉन्टैक्ट करके एक केस रेज करना रहेगा। आपको वहाँ पे एरर कोड एक मेंशन करना रहेगा 5665। यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करके बता देता हूँ, ये एरर कोड आपको मेंशन करना पड़ेगा वहाँ पर। उसके साथ साथ आपको अपने प्रोडक्ट का जो पैकिंग है उसकी 6 इमेजेस, उसकी जितनी भी साइड्स है, अगर 4 साइड है तो 4, अगर 6 साइड है तो 6 साइड की इमेज आपको लेनी पड़ेगी अपने मोबाइल के कैमरे से, प्रोडक्ट को अपने हाथ में रखकर, और उन इमेज को आप एज एन अटैचमेंट सेंड करोगे अमेजोन के सेलर सेंट्रल टीम को इस एरर कोड के साथ। जैसे ही आप ये सब कर दोगे विद इन 72 आवर्स आपको ब्रांड अप्रूवल
मिल जाएगा। तो ये रहता है सिंपल सा प्रोसेस आपको ब्रांड अप्रूवल या कैटेगरी अप्रूवल के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर